हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग समुच्चय के पार्ट टू के बारे में देखेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने समुच्चय का पार्ट फर्स्ट में समुच्चय की परिभाषा, इसका निरूपण और इसके प्रकार के बारे में बताया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले उपसमुच्चय यानी कि सबसेट, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सबसेट कहते हैं, इसकी क्या डिफिनीशन होती है। यदि दो समुच्चय ए व बी में ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। अब आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो पहली बात तो यह कि दोनों, अगर कोई दो सेट है, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि ए सबसेट होगा बी का। बस आपको यह ध्यान रखना है, तीन कंडीशन याद रखनी है आपको। तीन कंडीशन कौन कौन सी? ये सबसेट का साइन होता है, इसे सबसेट इस मतलब ये इसका नोटेशन होता है। संक्षिप्त रूप में हम लोग सबसेट को यानी कि उप समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं। अब जब भी सबसेट होगा तो आपको चेक क्या क्या करना है, तीन बातें चेक करनी है। आप ध्यान दे लीजिए, बस तीन बातें आपको चेक करना है। सबसेट के लेफ्ट साइड में एक सेट होना चाहिए यानी कि समुच्चय होना चाहिए, इधर यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। ये दो दूसरी बात हो गई। और इसके सभी एलिमेंट इसमें मैच करने चाहिए, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें हों। अब इसे देखिए, ए एक सेट है, बी एक सेट है, और ए के सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं है? ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो ऐसे केस में ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट कहलाता है। तीन कंडीशन, लेफ्ट साइड में एक सेट हो, राइट साइड में एक सेट हो, और लेफ्ट वाले साइड के सभी एलिमेंट इसमें मैच करने चाहिए, इसी को बोलते हैं सबसेट। वही बात हमने इस परिभाषा में लिखा है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर सबसेट के बारे में देखते हैं, यानी कि उचित उपसमुच्चय। देखिए, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। परिभाषा इसकी पहले हम लोग समझ लें। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो किंतु बी का कम से कम एक अवयव ए में ना हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। मतलब प्रॉपर सबसेट जो होता है, पहली बात तो इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ऐसे इस सिंबल से करते हैं। मतलब इसमें चार कंडीशन, एक छोटी सी कंडीशन आपकी बढ़ जाती है। लेफ्ट साइड में एक सेट होना चाहिए, राइट साइड में इसके एक सेट होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन तो पुरानी हो गई। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, ये भी कंडीशन उपसमुच्चय यानी कि सबसेट वाली ही है। एक कंडीशन इसमें ये छोटी सी बढ़ जाती है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। जैसे हम यहां पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं 1 2 3, यहां पर 2 1 3 4 5। देखिए, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये दोनों बातें हो गई। तीसरी बात, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। देखिए, 1 भी 2 भी 3 भी, 1 2 3 ये आ रहा है इसमें, और राइट साइड में यानी कि बी वाले में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। इसमें देखिए 4 है जो कि लेफ्ट साइड में नहीं है, 5 है इसमें नहीं है। तो जब भी सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में छोटा सा डिफरेंस यही होता है। सबसेट में सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया जाता है कि इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हो, बस वहीं पे हमारी कहानी खत्म। अगर मिल रहा है तो वो सबसेट हो गया। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि राइट साइड में जो भी सेट लिखा है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में ना हो, यही प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ऐसे केस में हम लोग बी को ए का सुपर सेट कहते हैं। बी को ए का क्या कहते हैं? सुपर सेट कहा जाता है। कब? जब ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो बी ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट। और उसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब बी सुपर है, बड़ा है किससे? सेट ए से। मतलब बी वाले में एलिमेंट की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो इन तीन कंडीशंस को आप बहुत अच्छे समझिएगा, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो सबसेट क्या होता है? उसमें तीन कंडीशन, इधर भी सेट हो, इधर भी सेट हो, इसके सारे एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हो, काम खत्म। ये तीन बातें हो गई। प्रॉपर सबसेट में चार कंडीशन, दोनों तरफ सेट होना चाहिए, इस
लेफ्ट वाले जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इसमें मैच करने चाहिए और राइट साइड में एक सेट ऐसा मतलब एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में ना हो। ये चार एक कंडीशन छोटी सी बढ़ जाती है जो प्रॉपर सबसेट की होती है। और जब प्रॉपर सबसेट होता है यानी ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का ऐसे केस में सुपर सेट कहलाता है, मतलब ए से वो सुपर कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसमें एलिमेंट कम से कम एक ज्यादा जरूर है। फ्रेंड्स यूनियन सेट के बारे में समझते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संघ समुच्चय। यदि कोई दो ए और बी कोई दो सेट है तो हम लोग इनका यूनियन निकालना चाहते हैं कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, यानी कि संघ क्या होगा। तो जब भी निकालना हो तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लें। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए व बी दोनों के अवयव उपस्थित हो संघ समुच्चय कहलाता है। और इसे ए यूनियन, इसको यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी से लिखते हैं। मतलब जब भी आपसे यूनियन के बारे में कहा जाए तो कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट है ए और बी, हमको इसका निकालना है ए यूनियन बी। मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट आ जाए, बी के भी सभी एलिमेंट आ जाए, उसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो देखिए इसमें आ रहा है 1 2 4 6, इसमें आ रहा है 5 6 7, तो हम इसको ऐसे ऐसा एक सेट बना लें जिसमें इसके और इसके दोनों के एलिमेंट आ जाए। तो देखिए 1 2 3 तो है नहीं, 4 है, 5 6 और 7। देखिए हमने एक सेट बनाया 1 2, इन्हीं से मिला करके 1 2 3 था नहीं, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया और 7 लिख लिया। देखिए 1 2 4 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और इसके बाद 5 6 7 5 6 7 आ रहा है। मतलब हमने एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ए और बी का यूनियन कहलाएगा, ए यूनियन बी इसको पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स अब सर्वनिष्ठ समुच्चय के बारे में देखते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का उभयनिष्ठ अवयव से बना समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। यानी कि इसे ए इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। जब ऐसे बना होता है तो इसको यूनियन पढ़ा जाता है, यूनियन। और जब ऐसे उल्टा बना हो, इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन सेट हो यानी कि सर्वनिष्ठ, तो उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन हो, मतलब जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, वही एलिमेंट को लिख देंगे, वही उन दोनों का इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो देखिए 1 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है। 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 हो गया। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, मतलब वही वही एलिमेंट हम इसमें लिखेंगे इंटरसेक्शन सेट में जो दोनों में कॉमन हो। सीधी सी बात है, जो दोनों में कॉमन होगा वही एलिमेंट यहां पर लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यही कहलाएगा, यानी कि 2 और 3 ए इंटरसेक्शन बी होगा। यूनियन में क्या होता है, एक ऐसा सेट बनाना होता है जिसमें इसके और इसके सभी एलिमेंट उसमें आ जाए, और इसमें क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट यहां पर लिख दिया जाए। फ्रेंड्स असंयुक्त समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट के बारे में देखते हैं। वह समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाता है जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कोई भी दो सेट हो उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो गए, मतलब कोई भी ज्वाइंट नहीं है, किसी भी एलिमेंट से ज्वाइंट नहीं है। अब इसमें देखा जाए कि अगर ए और बी में देखा जाए तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कि अगर ए और बी का कॉमन, जब इंटरसेक्शन निकालते थे तो क्या हम लोग ढूंढते थे, इंटरसेक्शन वाले में क्या ढूंढते थे, कॉमन एलिमेंट को देखते थे कि वो एलिमेंट जो इसमें भी हो और इसमें भी हो वो यहां पर लिखा जाएगा। अब यहां पर कुछ भी है ये नहीं है, इसका मतलब ये सेट रह जाएगा खाली। तो ये सेट जब खाली रह जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, यानी कि दोनों में कॉमन ढूंढने का प्रयास किया जाए लेकिन दोनों में कॉमन कुछ ना मिले, कुछ ना मिले मतलब ये पूरा सेट खाली रह गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, तो ऐसे सेट को हम लोग, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, खाली हो यानी रिक्त समुच्चय हो, तब हम लोग इसको बोलते हैं कि असंयुक्त समुच्चय होगा, यानी कि डिसजॉइंट सेट होगा। और जब भी कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, पहली बात तो इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, और ऐसे लिखना चाहे और चाहे रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई लिख देते हैं, इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट किसके किसे कहते हैं,
डिसजॉइंट सेट का मतलब दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ना मिला हो जो दोनों में हो, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये कहां से लिया गया है, यूनिवर्स से लिया गया है, मतलब वो बड़ा समुच्चय जिसके अतिरिक्त सभी समुच्चय उसके उप समुच्चय हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है और इसे कैपिटल यू या जाई से लिखते हैं। कैपिटल यू है ये, कैपिटल यू या जाई से इसको हम लोग लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जितने भी सेट हैं, जितने भी दुनिया में आप सेट सोच सकते हैं, उन सभी सेट का अगर यूनियन ले लिया जाए, मतलब एक ऐसा समुच्चय ले लिया जाए जिसमें सभी सेट के एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हों, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय। मतलब आपके मन में जितने भी टाइप के सेट सोच सकते हो उतने सेट का अगर हम लोग यूनियन ले लें तो एक ऐसा सेट बन के तैयार होगा हमारे पास। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और हमको इसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने का मतलब एक ऐसा सेट बनाना है हमको जिसमें ए के भी एलिमेंट आ जाए, बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए, ऐसे ही दो ना हो, ए और बी ना हो, लाखों हजारों सेट हम अगर ले लें और उन सबका यूनियन निकालना स्टार्ट करें। यूनियन का मतलब एक ऐसा बड़ा सेट हम बना दें जिसमें ए बी सी डी जितने भी हम सेट माने उसके सभी के एलिमेंट उसमें उस बड़े वाले सेट में बिलोंग कर रहे हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। तो एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अतिरिक्त सभी समुच्चय उसके उप समुच्चय हों, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम लोग कैपिटल यू या जाई, इसको हम लोग जाई के नाम से जानते हैं। ये नोटेशन जो होता है वो जाई होता है, जाई से लिखा जाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं दो समुच्चय का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों ए व बी का अंतर समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए के वे सदस्य होते हैं जो बी में ना हो। यानी कि अगर आपको कोई दो सेट जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल जो है उसमें दिया है कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3, हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। जब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको दिया हो ए माइनस बी तो हमें यह ध्यान देना है हमको इस सेट के अंदर वही एलिमेंट लिखना है जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। अब याद देखिए 1 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसको लिखना है। 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको नहीं लिख सकते हैं, हमको वही एलिमेंट लिखना है जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है इसको नहीं लिख सकते। 3 इसमें भी है और इसमें भी है नहीं लिख सकते। 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, यही हमारा हो जाएगा 1, 4 यानी कि 1 और 4 जो एलिमेंट है वो ए माइनस बी में आएगा। अगर हमसे कहा जाता कि बी माइनस ए निकालो तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। अब ऐसा कोई एलिमेंट देखिए 2 बी में भी है और ए में भी है नहीं लिख सकते हैं, 3 बी में भी है और ए में भी है नहीं लिख सकते, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान नहीं देना है कि आप बी माइनस ए निकालेंगे तब भी तो 1 और 4, नहीं, आपको ध्यान ये देना है वही एलिमेंट के बारे में सोचिए जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो सिर्फ 2 और 3 के बारे में सोचेंगे, 1 और 4 के बारे में हमको सोचने नहीं है। हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है वो एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो सिर्फ बी में देखो कि वो हो लेकिन ए में प्रकट ना हो, बस वही हम एलिमेंट लिखेंगे। तो 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सेट क्या रह जाएगा, खाली, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 5। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स पूरक समुच्चय के बारे में समझते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। यदि ए कोई समुच्चय है और यू उसका एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट है, तो यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में उपस्थित नहीं है समुच्चय ए का पूरक कहलाता है। इसको ए डैश से, अगर हमको ए का पूरक निकालना है तो ए के ऊपर आप डैश लगा दीजिए, ये ए का पूरक कहलाएगा। ये समुच्चय है ए, इसका जब ऊपर डैश लगा देंगे तो इसका मतलब है ए का हम पूरक निकाल रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में बात कर रहे हैं, या यू माइनस ए से लिखते हैं। तो किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक लिया, एक सेट ए ले लिया, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है,
तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए डैश निकालना है, तो जो भी उस वक्त यूनिवर्सल सेट दिया होगा, चाहे यू दिया होगा चाहे जाई दिया होगा, तो उसमें से उसी सेट को घटा दे। और हमने अभी आपको बताया है कि दो सेट का डिफरेंस यानी कि अंतर अगर यू में से ए को घटाना है, समुच्चय है, तो कैसे घटाएंगे हम लोग, यू के वही वही एलिमेंट उसमें लिख सकते हैं इस समुच्चय में जो ए में ना हो, वो एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में ना हो वही ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय कहलाएगा। फ्रेंड्स ये लास्ट हम लोग डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं पावर सेट यानी कि घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय क्या होता है परिभाषा इसकी पढ़ते हैं, किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अब एक सेट निकाल से पी ऑफ ए, पी का मतलब पावर और ए का मतलब ए का पावर सेट निकालना है तो पी ऑफ ए से लिखते हैं। अब एक सेट लिखा है 1, 2, उसके अंदर मात्र दो एलिमेंट हैं और इसका बनाना है हमको पावर सेट, इसका क्या होगा। तो आप एक बात समझिए, जब भी आपको पावर सेट बनाना हो तो आप एक काम करिए, इनको एक आदमी मानिए, ये एक आदमी ये दो आदमी यानी कि टोटल दो आदमी हैं, ये सुबह सुबह मार्निंग वॉक पर जा रहे हैं, तो ये कितने तरीके से जा सकते हैं, या तो कोई नहीं जाएगा, अगर कोई नहीं जाएगा इसका मतलब फाई पहला फाई हो जाएगा, या तो ये अकेला टहलने जाएगा तो इसको अकेला टहला दें, या तो हो सकता है ये वाला अकेला टहलने चला जाए यानी कि दो वाला अकेला टहलने चला जाए, और या तो दोनों के दोनों लोग चले जाए तो वन भी चला जाए टू भी चला जाए। ये हमने जब भी उप समुच्चय आदमी बनाना हो, जब भी उप समुच्चय के बारे में बात करें तो उप समुच्चय कैसे बनाया जाता है, इसको आदमी आप मान लीजिए और ये सोचिए कि इनको मॉर्निंग वॉक पे सुबह सुबह जाना है, तो ये कितने तरीके से घूमने टहलने जा सकते हैं, या तो कोई नहीं जाएगा मतलब फाई, या तो ये दोनों अकेले अकेले जाएंगे, ये अकेला जाएगा ये अकेला जाएगा, तो ये तीन केस यही हो गए, और या तो दोनों के दोनों लोग साथ में जाएंगे, ये तो हुआ उप समुच्चय। और जब उप समुच्चय के समुच्चय को, ये तो उप समुच्चय बन गया और इसका समुच्चय बनाना है, तो इधर भी एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा दें, इधर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगा दें, यही हमारा बन गया पावर सेट। तो जब भी किसी भी चीज का निकालना हो, अब देखिए मान लीजिए तीन लोगों का है 1, 2 और 3, इसका हमें पावर सेट बनाना है, तो देखिए या तो कोई नहीं जाएगा फाइव, या तो वन अकेला जाएगा, या तो टू अकेला जाएगा, या तो थ्री अकेला जाएगा, सबके बीच कमा लगाते रहिए, कमा लगाने मतलब ये कंडीशन हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, या हो सकता है वन और टू साथ में चला जाए, या हो सकता है वन थ्री के साथ में चला जाए, वन और थ्री है ये, इसके बाद या तो वन टू के साथ चला जाए, या तो वन थ्री के साथ, या हो सकता है टू और थ्री चला जाए, तो यहां लिख रहे हैं हम टू और थ्री चला जाए, या हो सकता है तीन के तीनों लोग चले जाए, जितने संभव तरीके बन सकते हैं, ये थ्री लिखा है, जितने संभव तरीके थे हमने बना लिया कि या तो कोई नहीं जाएगा, या तो अकेले अकेले जाएंगे, या तो दो दो लोग जाएंगे, या तो तीन के तीनों लोग साथ में जाएंगे। इसको बनाने के बाद हमने ये तो बना उप समुच्चय, और घात समुच्चय बनाना हो तो इधर भी आप जितने भी उप समुच्चय बन सकते थे सभी तरीके बन गए, इधर भी एक बना दिया हमने ब्रेकेट और इधर भी बना लिया, ये बन गया आपका घात समुच्चय। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सारी परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।